बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकामा खत्म है जी, या कफील नकल खवाला नहीं दे रहा है, या आप यानी कि दूसरी जगह पर काम करना चाहते हैं, कफील इजाजत नहीं दे रहा है, या साए खास है जी, नकल खवाला नहीं हो रहा है, या कल तो एक भाई ने मुझे कम्यूनिट किया जी, मेरा बकरी का जी वीजा है, बकरी यानी कि आपका होगा जी, यही इसको क्या बोलते हैं, अमल मंजली, या आप हारस वाले महीना में होंगे, इसी इन्हीं में छोटे महीनों में से होगा आपका कोई महीना, बकरी वगैरह वाला तो कोई महीना नहीं वैसे होता है। तो बहरहाल जी, मैं जो आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ वो भी शेयर कर देता हूँ। बात ये है जी कि ऐसी चीज़ों के मुतल्लक रोज़ बरोज़ आपके साथ कुछ वीडियोज़ मैं लगाता रहता हूँ, उसकी वजह यह होती है कि इकामा एक्सपायर के मतलब पहले क्लियर करता चलूँ मैं। एक इकामा एक्सपायर हो तो 500 रियाल का फाइन करके छोड़ दिया जाता है, सेकंड इकामा एक्सपायर हो तो 1000 रियाल का फाइन करके छोड़ दिया जाता है, बशर्ते कि आप किसी कंपनी वगैरह में कहा, हाँ आप साए खास हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनको पता होता है इनका इकामा इतना महंगा नहीं है तो ये क्यों एक्सपायर है, तो फिर आपके फील्ड से वो पूछ पूछ हो सकती है और आपको डीपोर्ट भी किया जा सकता है। थर्ड यानी कि तीन इकामे एक्सपायर हो तो फिर भाई वो डीपोर्ट करते हैं, यानी कि डीपोर्ट से मुराद ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट किए गए यानी कि जेल के थ्रू किसी भी केस के सिलसिले में जेल के थ्रू भेजे गए हैं या पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वगैरह में, तो फिर आप सऊदी अरेबिया में वर्क वीजे पर नहीं जा सकेंगे, ये आपको क्लियर कर दूं मैं। आप दोबारा उमरा पर जा सकेंगे, हज के लिए जा सकेंगे, किसी काम के सिलसिले में किसी वर्क वाले वीजे के ऊपर आप सऊदीया में कभी नहीं जा सकेंगे दोबारा, ये कन्फर्म बात है। अभी मैं जो आपको एक चीज बड़ी करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ये देख रही, पहले तो तरहील वाले जो बंदे इस पिछले 6-7 दिनों के अराउंड में, अच्छा कुछ भाई यहाँ पर एक चीज और ऐड करते हैं, कुछ भाई बोलते हैं ये इतने बंदे भाई हर हफ्ते के पकड़े जाते हैं तो फिर तो सऊदीया खाली हो जाना चाहिए, तो भाई हर हफ्ते में लाखों की तादाद में सऊदीया में बंदे जा रखे हैं बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान से, जिनमें पाकिस्तान सर्र फरिश्ता, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं। आपको शायद पता नहीं है पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठा लाइव सब सूरत हाल देख रहा हूँ। तो बात देखने तरहील वाले बंदे 12,882 अफराद, इनमें इकामा एक्सपायर हरूम मतलूब जो भी उनके हाथ लगे, या किसी भी चोरी वगैरह वाला बंदा उनके हाथ लगा जो कोई भी अपनी सजा पूरी कर चुका है, वो तमाम अफराद इसमें शामिल होंगे। 12,882 अफराद डीपोर्ट किए गए सऊदी अरेबिया से पिछले से 6-7 दिनों के अंदर। अभी आगे मैं आपको बता दूं, मुकम्मल अगर आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो देख रही 15,910 अफराद, पिछले वीक भी 15,000 प्लस में थे, इस वीक भी 15,910 अफराद पकड़े गए, इनमें मुखालफ निजाम अल इकामा वाले दिख रही 9,784 अफराद वो है जी जिनके इकामे एक्सपायर थे और उनको पकड़ा गया, 9,784 अफराद, और मुखालफ निजाम अल अमन अल हदूद गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरेबिया में इंट्री या निकलने की कोशिश, ये भी आपको बता दूं मैं, 3,983 अफराद है जी, और मुखालफ निजाम अल अमल है जी 2,143 अफराद जो काम कुछ और, मेहनत कुछ और, काम कुछ और, कहीं और का काम कहीं और। एक चीज यहाँ पर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ वो ये है जी कि आपके ऊपर मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं, कोई भी किसी किस्म का केस है वो हल नहीं हो रहा है तो बंदे ऐसे करते हैं जी, यमन के रस्ते भागते हैं, बाद में यमन से अपना वीजा वगैरह लगवा कर क्लियर करवा कर वहां पर कुछ दिन ठहरते हैं, उसके बाद वहां से टिकट लेकर पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो ये ऐसे भी मैंने वाकया देखे हैं, और मैं जिस इलाके में था यानी कि जिजान से भी आगे, सबिया से भी आगे, अदाबी टॉप ऑफ द फीफा जो भाई जानते हैं उनको पता होगा जी, सऊदी अरेबिया का तकरीबन खूबसूरत गाँव में से एक गाँव है, वहां से लाइव वीडियो मेरे साथ शेयर कर चुका हूँ, बहुत खूबसूरत मनाजर दिखा चुका हूँ, इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, और वो लास्ट है जी, उससे आगे तकरीबन थोड़े फासले के ऊपर यमन का बॉर्डर है, तो वहीं से बंदे जाग भागते हैं जी, मैंने खुद से देखा है जाते ऐसे बंदे और वहां से कुछ आते भी, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी मुबैस बहुत तेज है।